गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जीवन के अंदर कितना कुछ दिक्कतें सहन करनी पड़ी, तो ये तो जेल भेजे गए हैं। मैं मान के चलता हूँ सरकारों की साजिश, राजनीतिक साजिश होती है। द खालस टीवी देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बलात्कारी गुरमीत राम रहीम के चेले निशान इंसान नामक व्यक्ति ने बलात्कारी सौदा साध की तुलना साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाल करन दी कोशिश ते घनौनी हरकत की है। एक वीडियो सामने आई है जिस वीडियो दे विच दस्तार बन्ने हुए निशान इंसान नामक व्यक्ति बलात्कारी गुरमीत राम रहीम की तुलना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल कर रहा है। ये मान के चलो कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को जीवन के अंदर कितना कुछ दिक्कतें सहन करनी पड़ी थी, लेकिन उनका जो मिशन है वो कहीं भी हो, मानवता के सुधार के लिए होंगे, चाहे जेल में हों चाहे कहीं हों, इन अवस्थाओं में से गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी निकले। यशु मसीह जी ने अपने जीवन में बहुत सारी पीड़ा सहन की थी, और ये मान के चलें कि जितने भी भगत हुए हैं दुनिया के अंदर, गुरु पीर हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, उनको सुकरात को जब सुकरात ये कहते थे कि भगवान का नाम लो, तो उनके खिलाफ राजा को कंप्लेंट की गई। सुकरात को राजा ने बुला करके कहा कि आप फोर्सली लोगों को भगवान को जपने का आदेश नहीं दे सकते। वो कहता है जी मेरा ये मिशन है, मैं अपना मिशन पूरा कर रहा हूँ, मुझे भगवान ने इस काम के लिए भेजा है कि राम नाम के लिए मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ। वो कहते तुझे सजा दी जाएगी। वो कहते जी मैं जीवन मेरा इस काम के लिए, अगर उससे रोक दिया जाए तो मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, मुझे जो सजा देनी आप दे सकते हैं। तो जहर का प्याला पीने के लिए उनको मजबूर किया गया और उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो ये तो जेल भेजे गए हैं। मैं मान के चलता हूँ सरकारों की साजिश, राजनीतिक साजिश होती है, उसके तहत ये सारी बातें हुई हैं, दुखद हैं, लेकिन शायद भगवान ने उनकी वहाँ भी कोई ड्यूटी लगाई हो। अब कई बार पढ़ते हैं कि जेल के अंदर बहुत बड़ा एक सुधार एक वाइल्ड लाइफ के मामले में, पौधा रोपण के मामले में हुआ है, तो और भी पता नहीं वहाँ के कितने जीव ऐसे होंगे जिनको वो राम नाम से जोड़ने का काम करेंगे। तो आज यहाँ आए हमारे पशु ऊपर उठ के भी बोलते हो, वो आज भी मैं कहूँगा कि मैंने जैसे कहा कि मैं मेरे प्रत्याशी हैं, मेरे साथी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं प्रदेश का प्रेसिडेंट होने के नाते जहाँ आज नमन करने आया हूँ मेरे गुरु को, मेरी संगत को, मेरे भाईचारे को, वहीं मेरे अंदर जो एक लालच और लोभ है कि राजनीतिक तौर पे संगत के अंदर भगवान बसता है, रब बसता है, पिताजी बसते हैं, मैं इनसे प्रार्थना भी करने आया हूँ। मैं क्यों कहूँ कि मैं सिर्फ दर्शन करने आया हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि मेरे कैंडिडेट साहब सरदार निर्मल सिंह मलड़ी, मैं और मेरे दोस्त सभी लोग गुरु के दरबार में आए हैं, और गुरु के दरबार में आकर के झोली फैलाना ये तो हमारा कर्तव्य है। तो गुरु जी कहते हैं कि आप झोली फैलाओ और अपना मांगो, और सच्ची नीयत से जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, ये हमें धर्म सिखाता है।